हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू पैशनेट फॉर कार्स। वी टॉक ऑटोमोबाइल्स हियर। आज आप देख रहे हैं मारुति सुजुकी वैगनार। ये थर्ड जनरेशन देख रहे हैं आप। पहली बार ये 1999 में लॉन्च हुई थी। इसमें सिर्फ पेट्रोल इंजन का ऑप्शन मिलता है और दो ट्रांसमिशन आएंगे, मैनुअल और ऑटोमेटिक। यहाँ पे ये आप हेडलैम्प्स देख रहे हैं विद टर्न इंडिकेटर्स। ये सुजुकी का लोगो। यहाँ ये नीचे फॉग लैंप्स दिए हुए हैं। और साइड से देखे गाड़ी तो कुछ ऐसी दिखती है। अगर डायमेंशन की बात करें तो लेंथ मिलती है 3655 mm, विड्थ मिलती है 1620 mm, हाइट मिलती है 1675 mm। व्हील बेस है वैगनार का 2435 mm का। अप्रोक्स कर्व वेट है 835 kg। रेंज की बात करें तो 5,08,000 रुपये से स्टार्ट होती है वैगनार, और टॉप मॉडल की कीमत है 6,90,000 रुपये। ये प्राइस वेरी करेगी सिटी टू सिटी। ये आप देख रहे हैं 14 इंच के कैप व्हील देख रहे हैं। टायर साइज़ की बात करें तो 165/70R14 के टायर मिलेंगे। फ्रंट में डिस्क और रियर में ड्रम ब्रेक मिलती है। सेफ्टी की बात करें तो ABS, EBD, स्पीड अलर्ट, चाइल्ड लॉक, रियर सेंसर, 2 एयरबैग, सीट बेल्ट रिमाइंडर मिलता है वैगनार में। यहाँ पे 32 लीटर का फ्यूल टैंक मिलता है वैगनार में। वैगनार में 6 कलर ऑप्शन मिलते हैं। और वैगनार टॉल बॉय डिज़ाइन पर बनी हुई गाड़ी है, जिसमें गाड़ी की हाइट ऊंची होती है और बोनेट छोटा होता है। ये सुजुकी का लोगो, रियर वाइपर, ये स्टॉप लैंप। आइए बूट खोल कर देखते हैं। तो यहाँ मिलती है 341 लीटर की बूट स्पेस, और पीछे की सीट फोल्ड कर देंगे तो 710 लीटर की बूट स्पेस बन जाती है। ये यहाँ नीचे, यहाँ पे ये सिंपल अलॉय व्हील्स ही मिलता है। और यहाँ पे ये टूल किट दी हुई है, बंद कर देते इसे। ये पार्सल ट्रे। आइए रियर डोर खोलकर देखते हैं वैगनार का। तो ये पूरी ब्लैक फिनिश में वैगनार का रियर डोर है। ये कुछ स्पेस दी हुई यहाँ पे। ये फिनिश, ये पावर विंडो के स्विच, ये सिल्वर कलर में हैंडल दिया हुआ है, ये बॉटल होल्डर और कुछ स्पेस। यहाँ पे ये स्पीकर मिलता नीचे, और यहाँ से कुछ ऐसी दिखती है ये रियर सीट वैगनार की। आइए गाड़ी के अंदर बैठ जाते हैं। ये ग्रैब हैंडल दिया हुआ है यहाँ पे। यहाँ पे फिक्स्ड ये हेडरेस्ट मिलेंगे, दो फिक्स्ड हेडरेस्ट मिलेंगे। यहाँ पे सीट बेल्ट और फैब्रिक फिनिश मिलती है 2-टोन में वैगनार में। और यहाँ से कुछ ऐसा दिखता है वैगनार का ये फ्रंट डैशबोर्ड, 2-टोन में दिया हुआ है ये। आइए आगे चल कर देखते हैं। ये फ्रंट डोर ड्राइवर साइड मारुति सुजुकी वैगनार का, और ये पूरी ब्लैक फिनिश में डोर दिया हुआ है। यहाँ पे ये फिनिश, ये कुछ स्पेस, ये जॉयस्टिक दी हुई है, और ये मिरर फोल्ड करने के लिए। ये लॉक ऑन लॉक के बटन, ये पावर विंडो के स्विच, ये हाइट एडजस्ट दिया हुआ है, हाइट एडजस्ट करने के लिए सीट की। और यहाँ से कुछ ऐसा दिखता है ये मारुति सुजुकी वैगनार का ये फ्रंट डैशबोर्ड, ये फ्यूल लीड ओपनर। आइए गाड़ी के अंदर बैठ जाते। तो यहाँ से कुछ ऐसा दिखता है ये मारुति सुजुकी वैगनार का ये स्टेयरिंग। ये सुजुकी का लोगो, ये एयरबैग। यहाँ पे ये कुछ कंट्रोल्स दिए हुए हैं लेफ्ट साइड पर। ये वैगनार का ये मीटर है, काफ़ी स्टाइलिश बनाया हुआ है ये। और ये आपको डिस्प्ले यहाँ पे दी हुई है, ये शो करेगी एवरेज फ्यूल, रेंज बताएगी, आउटसाइड टेम्परेचर, किलोमीटर, टाइम भी बताएगा। काफ़ी इंफॉर्मेटिव ये डिस्प्ले दी हुई है सुजुकी वैगनार की। ट्रिप ए और ट्रिप बी दिखाएगा आपको। ये सिल्वर फिनिश में, और ये कुछ कंट्रोल दिए हुए यहाँ पे फ़ोन के, ये लाइट्स के कंट्रोल, ये वाइपर के कंट्रोल। और ये यहाँ पे आप देख रहे हैं 7 इंच का ये मल्टी इंफॉर्मेशन डिस्प्ले।
जो सपोर्ट करता है नेविगेशन, ब्लूटूथ, यूएसबी, ऑक्स, एंड्रॉयड ऑटो, एप्पल कारप्ले, रेडियो, एफएम, आप अपना फ़ोन भी कनेक्ट कर सकते हैं। टाइम दिखाएगा ये, इवन ये आपको रेंज भी दिखाता है। काफ़ी क्रिस्प ये दिया हुआ है, 7 इंच का डिस्प्ले वैगनआर में। यहाँ ऊपर से स्वाइप करेंगे तो आप अपने फ़ोन जो कनेक्ट किए वो दिखाएगा। यहाँ पे ये दिया हुआ है मैनुअल एसी, यहाँ से आप ये मोड्स आप अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं। ये एसी का बटन, ये फैन स्पीड एडजस्टर, ये यहाँ पे करेंगे तो ये हीटर हो जाएगा और यहाँ पे कूलिंग हो जाएगा ये। और यहाँ पे ये मिलता है 12 वोल्ट का एक आउटलेट पॉइंट मिलता है वैगनआर में। और यहाँ पे यूएसबी और ऑक्स दिया हुआ है। यहाँ 5 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन दिया हुआ वैगनआर में। ये कुछ स्पेस और बॉटल होल्डर, ये हैंड ब्रेक, यहाँ पे ये 2-टोन में ये सीट्स दी हुई है। ये इसी वेंट सिल्वर हाईलाइट में। आइए ग्लव बॉक्स खोलते हैं, काफ़ी डीप ग्लव बॉक्स दिया है वैगनआर का। ये एयरबैग, इसी वेंट, प्लास्टिक फिनिश मिलती है और काफ़ी हो अच्छा है स्टेयरिंग होल्ड करने में। ये लाइट के कंट्रोल यहाँ पे दिए हुए हैं। यहाँ से खोलेंगे बोनेट, आइए आगे चलकर देखते हैं। यहाँ पे मिलता है 1200 सीसी K12 फोर सिलेंडर इनलाइन इंजन, जो प्रोड्यूस करता है 82 bhp, 113 न्यूटन मीटर का टॉर्क और एवरेज कंपनी 20 का बोल रही है। और ऐसी दिखती है चाबी। इफ़ यू लाइक माय वीडियो और फाइंड इट इंफॉर्मेटिव, देन प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल। पीस।